चोर हैं। बताओ आप, हम चोर हैं? हम पर हजारों करोड़ रुपए के पैसे निकाल दिए, हम कब्र में ले जाएंगे इस विश्वविद्यालय को, कितना और जिएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल राइज। मैं रिया। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की दौलत पर इनकम टैक्स के तरफ से छापे मारे गए हैं, जिसको लेकर आजम खान ने कहा कि आयकर छापे में मेरे पास 3,500 रुपए मिले, यही हमारी दौलत है, फकीर के यहाँ मिलेगा भी क्या। छापे की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए बोले, क्या हम चोर हैं जो हम पर 1,000 करोड़ रुपए निकाल दिए जाएंगे? आइए सुनते हैं आजम खान ने क्या कहा। मैंने बहुत पहले कहा था, एक फकीर के यहाँ क्या मिलेगा। जब आईटी वाले आए थे पहले दिन से सबने यही कहना शुरू किया था, कुछ नहीं मिलेगा। मेरे छोटे बेटे के पास 9,000, बड़े बेटे के पास 2,000 और मेरे पास 3,500 रुपये थे। मेरी पत्नी के पास 100 ग्राम के करीब, जिसकी 4 लाख रुपए के करीब कीमत होती है, बस यही जेवर था। और जो नहीं था वही हमारी दौलत है। सत्ता अनर्थ पर उतरी हुई है। हम चोर हैं? बताओ आप, हम चोर हैं? हम पर हजारों करोड़ रुपए के पैसे निकाल दिए, हम कब्र में ले जाएंगे इस विश्वविद्यालय को, कितना और जिएंगे? और चोर नहीं हूँ, चोर मुर्गी का हूँ, बकरी का हूँ, भैंस का हूँ, लेकिन दफाएं डकैती की लगी हैं। और आपको हैरत होगी, एक मुकदमा ऐसा है, जब मैं चौथी बार मिनिस्टर था, जिस सिक्योरिटी में था, मेरी पत्नी एसोसिएट प्रोफेसर थी, हम दोनों ने मिलकर एक शराब की दुकान लूटी थी और 16,900 रुपया उसके गले से लूटा था। एक ऐसे व्यक्ति से आप बात करने आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। एक तरफ तो मैं चोर हूँ और दूसरी तरफ आईटी का रेड होता है मेरे यहाँ। तो चोर गया, बकरी चोर गया, किताब चोर। अच्छा, सपा का कितना साथ मिलता है और सपा मुखिया का कितना साथ मिलता है ऐसी परिस्थितियों में, जब कठिन परिस्थितियाँ आपके साथ चल रही हैं? 1000%। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए देखते रहें द सोशल राइज।